हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे है कि जो है बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशनस से भरा होता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है बारिश का पानी। और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे प्लांट्स की जो ग्रीनरी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेकिन जब ज़्यादा लगातार 2-3 दिन की बारिश होती है या हफ्ते भर की बारिश होती है और वो नहीं रुकती है, तो हमारे प्लांट्स में पानी जो रुक जाता है फ्रेंड्स, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे प्लांट्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे इस टॉपिक पे है कि हम अपने प्लांट्स को बारिशों में कैसे बचाएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बारिशें बहुत हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन ये प्लांट हमारे, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, इसमें पानी नहीं रुका है और इसमें भी नहीं रुका है फ्रेंड्स, और इसमें भी पानी नहीं रुका है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो मनी प्लांट का हमारा प्लांट्स लगा है, इसमें पानी रुका हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक रॉड ले सकते हैं इस टाइप की, और हम इसको मिट्टी में, गमले में ऐसे ऐसे होल बना सकते हैं जिससे ये पानी ड्रेन आउट हो जाएगा ऐसे, पूरे होल बना देंगे। कुल मिला के हमें पानी नहीं रुकने देना है फ्रेंड्स अपने गमले में। तो इस तरह की ये पहली टिप हो गई हमारी कि हमें अपने गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। और प्रॉपर फ्रेंड्स इसका जो है हमें ड्रेनेज होल भी चेक करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं गमला, इसमें बहुत सारे जो है जड़ें जो है गमले में बाहर निकल आई हैं ड्रेनेज होल से, तो इनको भी हमें हटा देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये है, इसकी रूट्स बाहर आ रही हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे, ऐसे इनको हम कट करके हटा देंगे फ्रेंड्स। और एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे ये, और इससे जो भी इसके मेन होल हैं, इस तरह से हम इनमें होल बना देंगे। तो क्या होगा कि इसका पानी जो है इसमें नहीं रुकेगा फ्रेंड्स, इस तरह से गमले में पानी नहीं रुकेगा फ्रेंड्स। दूसरी टिप हमारी ये थी। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब का पौधा है जिस पे हमने वीडियो बनाया था, बेकिंग सोडा डाल करके वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इसमें अब बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए नई नई कलियां भी आ गई हैं फ्रेंड्स। ये देखिए छोटी छोटी सी कलियां, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, और इसकी न्यू न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी निकली है। तो मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ आपके साथ जो मैं करती हूँ फ्रेंड्स। तो अगली टिप हमारी ये है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए पत्ती है, ये हमारी खराब हो रही है, इसको हमें पेड़ पे नहीं रुकना रखना है, पौधे से इसको अलग कर देना है, क्योंकि ये जो है नीचे टच हो जाएगी फिर और फंगस का कारण बनेगी फ्रेंड्स। जितनी भी फ्रेंड्स ये सड़ी गली पत्तियां हैं गमले से उनको हटा देना है, और जो भी ब्रांच हमारी खराब हो रही है, सूख रही है, उसको भी हमें रिमूव कर देना है प्लांट से। ये है जैसे, इसको हमें तोड़ देना है या कैंची से काट दीजिए फ्रेंड्स। इस मिट्टी को बिल्कुल साफ कर देना है जिससे कि इस पे फंगस अटैक ना कर सके और बढ़िया से हमारे प्लांट सरवाइव करे रेनी सीजन में भी। बारिशों में फ्रेंड्स फंगस अटैक बहुत होता है, क्योंकि बारिश में पानी अधिकतर जमा रहता है और उसकी वजह से फंगस अटैक बहुत होता है। तो फंगस के लिए हम एक काम कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये फंगीसाइड है फ्रेंड्स, साफ फंगीसाइड है ये, तो इसको हम आधा चम्मच ले लेंगे, आधा चम्मच लेके हम इसको, ये 1.5 लीटर का मेरा स्प्रेयर है, इसमें हम डाल लेंगे। इसमें फ्रेंड्स फंगीसाइड डाल लिया है और अच्छे से इसको शेक कर लेंगे, और इसके बाद इसको जो है अपने पूरे प्लांट्स पे, जितने भी आपके प्लांट्स लगे हैं उन पे हमें स्प्रे कर देना है फ्रेंड्स अच्छे से। फंगीसाइड का स्प्रे बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, 7 दिन में या 10 दिन में अपने प्लांट्स पर फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें। बरसात में फ्रेंड्स इंसेक्ट्स बहुत अटैक करते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारे मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, इस पे देखिए पत्तियों पे ये इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए, इस तरह से छेद छेद बना दिए हैं, इसका मतलब है कि इस पे इंसेक्ट ने अटैक किया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे,
वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फंगीसाइड का जो हमने पानी बनाया था फ्रेंड्स, उसको हम गमले में भी दे सकते हैं, मिट्टी में भी। तो इस तरह से हर गमले में दे दीजिए अपने, ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए, तो जो भी फंगस अटैक है वो नहीं होगा हमारे प्लांट्स में। इस तरह से फ्रेंड्स डाल देंगे और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं इसको फ्रेंड्स। इस तरह से हमने डाल दिया है, अब इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए कमांडो इंसेक्टिसाइड है, इसको 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन डालते हैं और 2 लीटर पानी में पूरा फुल ढक्कन। तो मैंने 1.5 लीटर लिया है, इसमें मैं आधे ढक्कन से थोड़ा सा ज्यादा कमांडो इंसेक्टिसाइड डालती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ले लिया है और इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपके गार्डन में जो भी इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो व्हाइट फ्लाई हो, चाहे वो माइट्स हो, कोई भी चीज हो, वो इससे रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड वाला स्प्रे हर प्लांट्स पे हमें करते रहना है, हर 10 दिन में या 7 दिन में, क्योंकि इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो हमारी इतनी मेहनत को खराब कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके स्प्रे से फ्रेंड्स जितने भी प्रॉब्लम है इंसेक्ट की, मिली बग हो या फिर कैटरपिलर हो, व्हाइट फ्लाई हो, स्पाइडर माइट्स हो, सबको इससे खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी स्मेल जो है बहुत तीखी है फ्रेंड्स। बस इसको जो है बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा सजेशन है। हर प्लांट पे स्प्रे से कर देना है फ्रेंड्स इस तरह से। अगली टिप है फ्रेंड्स कि बरसात में चींटियां बहुत अटैक करती हैं, चींटियां इतनी ज्यादा हमारी प्लांट्स में आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। बोरिक एसिड एक आता है, पाउच आता है बोरिक एसिड का, ये बीज और जो है प्लांट्स का जहाँ पे दुकान होती है वहीं से पे ये मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। बोरिक एसिड को जो है आप यूज़ करिए, आधा चम्मच एक एक गमले में ऊपर से छिड़क दीजिए। आप अगर वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हल्दी पाउडर ले लीजिए, आधा आधा चम्मच से कम आप हर प्लांट में इसको डाल दीजिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो क्या होगा कि चींटियां आपके गार्डन से बहुत दूर रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ केयर टिप्स जो हमें अपने गार्डन में बारिश के समय करनी है, तो आप भी फॉलो करें फ्रेंड्स मेरे साथ में। और बारिशों में जो है गुड़हल के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो आप वो कमांडो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वो यूज़ करती हूँ और बहुत ही असरकारक होता है वो। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने जानकारी शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।